उदयपुर के तीतड़ी इलाके में एक महिला ने हुस्न का जाल ऐसा फेंका कि उसमें एक शारीरिक शिक्षक फंस गया। मीठी मीठी मदहोश करने वाली बातों की जब सच्चाई खुलकर सामने आई तो शारीरिक शिक्षक के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो गवाह बैठा अपनी मेहनत की कमाई। उदयपुर में हनी ट्रैप से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें एक शारीरिक शिक्षक को हनी ट्रैप में फंसा कर लाखों रुपए लूटने के मामले का खुलासा हुआ। सविना थाने में दर्ज हुए इस मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला शामिल है। आरोपियों में उदयपुर के अम्बा माता निवासी मोनिका कुंवर, राजेंद्र सिंह राजपूत, आसपुर निवासी विक्रम सिंह, भवानी सिंह, केसर सिंह, अम्बा माता निवासी लोकेश को इसमें गिरफ्तार किया गया है। दरअसल झाड़ोल फलासिया में कार्यरत एक शारीरिक शिक्षक ने मामला दर्ज करवाया कि 22 जुलाई को एक महिला ने उसे व्हाट्सएप पर कॉल किया। उस महिला ने लगातार 2-3 दिन तक कॉल किया, घर बुलाने लगी। 25 जुलाई को महिला ने घर पर अकेली होने की बात कही तो शिक्षक उसके घर जाने के लिए राजी हो गया। शिक्षक के जाने पर महिला तीतड़ी चौराहे पर उसे खड़ी भी मिली। वहीं से वह शिक्षक को दुपहिया वाहन पर बिठाकर घर ले गई। शिक्षक घर पहुंचा तो उसके बाद अचानक 2-3 लोग वहां आ गए और महिला ने उसे बाथरूम में छिपने के लिए कहा। तभी उन लोगों में से एक बाथरूम में पहुंचा और मारपीट करते हुए शिक्षक का मोबाइल छीन लिया। उन्होंने शिक्षक का वीडियो तक बना डाला, साथ ही 20 लाख रुपयों की मांग की। लोग धमकाते हुए शिक्षक को उसके घर ले गए और उससे 10-10 लाख रुपए के चेक ले लिए। इसके बाद शिक्षक ने SP ऑफिस जाकर पूरा घटनाक्रम बताया। शिक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बदमाशों ने लगातार उसे और उसके बेटे को मारने की धमकियां दी। किस तरह से धमकाया गया आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए पहले। हाँ मैं आ रहा हूँ भाई साहब, एक 5:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊंगा। मैं देखो भाई साहब, मैं आपको एक प्यार पूर्वक एक भाषा मेरी भाषा में प्यार पूर्वक मैं भी आपसे 5:30 बजे तक की मैं कह रहा हूँ। मैं अभी यहाँ रास्ते सुनो, हाँ पहले बात सुनो, तो मास्टर वाली बात करो। हाँ मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। हाँ नहीं तो भाग जाऊंगा फरीदपुर, तब भी जाऊंगा मैं, ये याद रखना। हाँ हाँ प्यार से बोल रहा हूँ। अगर आप 5:30 बजे चले जाने आते, 6 बजे वो सब छोरे वगैरह आपके वहाँ फेंक दूंगा मैं, समझे ना। ठीक है ठीक है, मैं बोलो आज करता हूँ मैं थोड़ा बहुत कुछ तो यार। आज की ऐसी कैसी, सुन भाई मास्टर मेरी बात सुन पहले। हाँ जी देखो यहाँ, अब एक काम कर, पैसा दे रहे हैं सब, चेक वेक सब ठीक है। हाँ तो गाड़ी लेके मेरे पापा अभी पहुँचने वाले हैं, अभी लेके इस नालायक बहन को और बच्चे को सबको लेकर मैं आ रहा हूँ तेरे घर। क्यों? ठीक है, और मुकदमा करता हूँ कोर्ट में, मैंने बात कर ली अभी, ठीक है ना। अरे मैं कह रहा हूँ ना यार, आ रहा हूँ मैं, 2 बजे का बेटा अभी तक। अरे मैं आ रहा हूँ भाई, रुको तो। पर अब बोल आ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ, आपके घर पे ही आ रहा हूँ। अरे बड़ा अभी, हाँ मैं आधे घंटे में पहुँच जा, या बैठ के बात करते हैं। अरे बड़ा, हाँ ठीक है, आधे घंटे में आ रहा हूँ। बड़ा बड़ा बस, कोई बात नहीं, सुनना चाहता मैं तेरी, ठीक है। हाँ हाँ मैडम, आपका फोन आया नहीं। अरे मैं अभी स्कूल हूँ झाड़ोल, मैं कर रहा हूँ व्यवस्था यार भाई साहब, 1-2 दिन की और मेरे को मोहलत दो यार। नहीं 2 दिन की नहीं दे सकते साहब, आप तो मैं 2 बजे तक लास्ट में दे सकता हूँ आपको, 4 बजे तक। अरे मैं यहाँ बारिश भी हो रही है, इसके अलावा तो मैं कुछ टाइम नहीं दे सकता, फिर तो मेरे को वकील को मिलना पड़ेगा भाई साहब। अरे नहीं यार भाई साहब, ऐसा मत करो यार। सर आपको देखो जो बोलना है वो सर उसके साथ तो होना चाहिए ना, फिर आप ऐसे करोगे तो थोड़ी चलेगा। मैंने आपके सामने रकम खाई है, देखो आपको देख आपको खुद को पता है कि जब ऐसा हुआ था वो सब भाई लोगों ने ऐसा कर रहे थे, फिर भी मैंने आपके सामने रकम खा के मैंने आपको जाने दिया और मैंने ये किया, ठीक है। अरे मैं तो कह रहा हूँ आपसे, आप कह रहे हो बराबर है, बट फिर आप ऐसे टाइम ले रहे हो तो ये तो फिर ऐसा हो गया कि चलो मैंने तो आपकी आपकी वजह से मैंने तो आपकी वजह से किसी से ही नहीं कहा, मैंने यहाँ तक है अपने छोरे से भी नहीं कहा। नहीं कहा वो देखो सर, आपकी प्रॉब्लम थी वो आपने नहीं कहा, मैंने मैं कर रहा हूँ व्यवस्था। अरे भाई साहब मैं मतलब, अरे बिक्की भाई साहब मैं कर रहा हूँ व्यवस्था। हेलो, फिर वकील के पास फाइल जाएगी और वकील आपको फोन करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि इन लोगों ने ऐसा किया है। वकील के पास में तो मत जाओ, तो क्या केस लगाओगे, बलात्कार के मेरे ऊपर क्यों? वो तो अब देखो फिर वक्त बताएगा आपको क्या कहते हैं। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप ऐसा मत करो। हाँ तो ऐसा नहीं करना चाहता मैं, खुद नहीं करना चाहता आपको, बदला में मुझे तो थोड़ी कुछ मिलने वाला है यार। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो मेरे को 2-4 दिन की और मोहलत दो, मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। साहब नहीं, आज का दिन लास्ट में दे सकते हो आप, लास्ट मुझे शाम को 7 बजे पहले मुझे जो भी रिप्लाई देना चाहो, ठीक है ना। अरे मैं अभी तो मैं झाड़ोल में हूँ, प्लीज यार कोई वकील से आप झाड़ोल में हो फ्री होके बोलो, मैं आपको कोई टेंशन नहीं, आपको सब फ्री माइंड होके फिर आप बात करना। मैंने 2 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खाया भाई साहब, इस टेंशन में यार।
बात सब सही है सर, आपकी बात पूरी मैं मानता हूँ, बट मुझे आपको मैं रात शाम को 7 बजे तक का टाइम देता हूँ, फिर आप जानो आपका काम जाने, मैं आपको फिर कुछ नहीं बोलूंगा, आपको कॉल नहीं करूंगा, डायरेक्ट वकील फोन करेगा आपको, ठीक है सर? 7 बजे तक का टाइम आपको देता हूँ, 7 बजे तक तो कमरे में। नहीं 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 वकील साहब वगैरह से किसी से मत करो आप यार, ऐसा मत करो यार। 7 बजे तक का सर मैं आपको टाइम दे सकता। यार अब मैं कह रहा हूँ ना कि इतने 20 लाख रुपए की राशि कोई छोटी मोटी नहीं है यार, मैंने भी तो आपको 20 लाख के 10-10 लाख के 2 चेक दे रखे हैं, स्टाम्प दे रखा है खाली सिग्नेचर का। बात सब सही है आपकी, वो मैं मानता हूँ उस चीज को, पर अब देखो इसमें भी नहीं तो फिर अब जब मेरे पास नहीं हो पा रही है व्यवस्था निकलना मेरे को, आप फिर ये टाइम दोगे, टाइम से नहीं हो पा रहा नहीं चीज तो नहीं मजाएगा फिर। देखो ऐसे तो फिर आप वही बोलोगे यार बाद में आपने विकी पे गलत काम किया, ये अच्छा नहीं लगता। देखो साहब ऐसा आपको चलेगा नहीं, आपको मैं लास्ट 7 बजे का टाइम देता हूँ, 7 बजे तक आप जो भी मेरे को बताओ। अरे नहीं यार प्लीज 2-4 दिन का टाइम दो भाई, 20 लाख रुपए की विक्की भाई साहब कुछ कम छोटी मोटी रकम नहीं होती है। नहीं नहीं साहब नहीं हो सकता टाइम, मैंने आपको जो टाइम दिया है मैंने आपको 3 दिन का तो टाइम दे दिया, 25 तारीख के बाद से आज 28 तारीख हुई है, तो फिर यार कितना टाइम दूंगा और भी। अरे तो यार अब भाई मैं भी तो व्यवस्था मैंने कह रहा हूँ ना, मैंने 2 दिन से तो ढंग से खाना भी नहीं खाया। कल निकलना है दिल्ली के लिए, मैं आज का दिन हूँ और आज का दिन आपका वेट कर सकता हूँ, फिर मैं वकील को मिलकर फिर मैं निकलूंगा दिल्ली के लिए, ठीक है सर? फिर आपको वकील ही फोन करेगा। नहीं भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ दूंगा, आप प्लीज यार ऐसा मत करो यार। 7 बजे तक आप मुझे फोन करो, मैं 7 बजे तक आपका वेट करता हूँ, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, 7 बजे तक लास्ट टाइम दे रहा हूँ, ठीक है सर? आपकी इच्छा आगे। नहीं प्लीज भाई साहब। शिक्षक के एसपी को रिपोर्ट देने के बाद एसपी ने तुरंत मामला दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद सविना थाने में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 384 और 389 में मामला दर्ज किया गया। मामले में सविना पुलिस सभी आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश करेगी। बताया जा रहा है कि महिला मोनिका कुंवर पहले भी वारदात कर चुकी है और लोगों को 376 के केस में लोगों को फंसा चुके हैं। अब आगे सभी पहलू पर जांच होगी तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती है। 26 तारीख को सविना थाने पे रिपोर्ट मिली थी कि 22 जुलाई को एक महिला है मोनिका कुंवर, उसका एक शारीरिक शिक्षक है गोर्धन सिंह जाडोल स्कूल में, उससे संपर्क हुआ और 2-3 दिन में उसने अपनी बातों में उसको फंसाया और 25 तारीख को उसको मिलने के लिए बुला लिया अपने घर पे, तीतरड़ी स्थित अपने मकान पे मिलने के लिए बुलाया। तो वहाँ तीतरड़ी में जैसे ही वो मिलने के लिए पहुँचा उसके घर पर, तो वहाँ 4 लोग और आ गए, विक्रम सिंह, लोकेश चौबीसा, केसर सिंह और भगवान सिंह, ये 4 लोग वहाँ मौके पर आ गए। उन्होंने इस शारीरिक शिक्षक के साथ मारपीट की और उसको 3-4 घंटे तक बंधक भी बना के रखा और इससे बलात्कार का झूठा मुकदमा और जान से मारने की धमकियाँ देकर 20 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड करी। तो उसने कहा अभी मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, तो ये लोगों ने इसको लेके गए, इससे एक स्टाम्प खरीदवाया ज़बरदस्ती और 2 10-10 लाख रुपये के चेक ले लिए कि भी तुम कैश पैसे दे के चेक वापस ले लेना। तो इस तरह के 2 चेक ले लिए थे। इस पर प्रकरण दर्ज करवाया, प्रकरण दर्ज कराते ही श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब के नेतृत्व में हमारे सीआई साहब रविंदर चारण जी ने टीम बनाई, टीम बना करके और हम लोगों ने कल इनको ट्रैप कर लिया। ट्रैप करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया है मामले में, जो महिला है मोनिका कुंवर और दूसरे जो 4 लोग हैं विक्रम सिंह, लोकेश, केसर सिंह और भवान सिंह, 4 आदमियों को भी अरेस्ट कर लिया गया और मामले में अनुसंधान जारी है। आपराधिक रिकॉर्ड सभी लोगों के मांग लिए गए हैं संबंधित थानों के, ये लोग मूल रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के रहने वाले हैं, तो जहां से भी अगर कोई रिकॉर्ड आता है तो तदनुसार उसके अंदर जो भी होगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है, स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है, बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।